हम बात कर रहे हैं दिल्ली दंगों की, क्योंकि आज मास्टरमाइंड उमर खालिद पकड़ा गया है। उमर खालिद को मेरे हिसाब से फरवरी में ही गिरफ्तार किया कर लिया जाना था, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यानी उसकी एसआईटी को उसके खिलाफ दस्तावेजी सबूत जुटाने थे, और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जुटाए हैं 11 लाख पन्नों के दस्तावेज जिनसे उमर खालिद को कॉन्फ्रंट किया जाना है। इसीलिए 10 दिन की पुलिस कस्टडी उमर खालिद की कोर्ट ने दे दी है। इसी पर बहस चल रही है, मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता। सीधे मैं चलूंगा अपने एक दर्शक वेदनागर की तरफ, लेकिन डॉक्टर विक्रम सिंह जी को मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, शुएब जमई को इंट्रोड्यूस कर दूं, वेदनागर जी के पास जाऊं उससे पहले नुपुर जी को इंट्रोड्यूस कर दूं, संगीत रागी जी को इंट्रोड्यूस कर दूं, विवेक श्रीवास्तव जी को भी इंट्रोड्यूस कर दूं। नागर जी क्या कहेंगे, क्या आपको लगता है कि उमर खालिद को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो मुसलमान है? क्योंकि एक बड़ा तबका देश में यही कह रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि बराबर संख्या में हिंदू और मुसलमान दोनों चार्जशीट हो चुके हैं दिल्ली दंगों में। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आज एक ऐसी मुहिम को इस देश के सामने लाने का काम किया है। और रही बात उमर खालिद की, तो उमर खालिद की हम पहले से ही मांग करते आ रहे थे कि उमर खालिद जैसे गद्दार पर देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली को आग के हवाले करने का काम किया था, जिस तरीके से इन्होंने रोड जाम किया था, शाहीन बाग को खुलवाने के लिए भी मैंने 3 बार अपनी डेट रखी थी, लेकिन दिल्ली प्रशासन ने हमको किसी तरीके के समय पर हमारे अनुसार जो समय नहीं दिया और हमको रोका गया। और नहीं, इन गद्दारों की इतनी औकात नहीं थी कि ये उस रोड को लगभग 2.5 से 3 महीने तक बंद कर दें। ठीक है वेद जी, मैं सीधे चलता हूँ इसके बाद शोएब जमई के पास। शोएब जमई, सीधा सवाल है मेरा, सीधा सवाल है, अकबरी बेगम के मामले में 6 हिंदुओं को भी गिरफ्तार किया गया है उनकी हत्या के मामले में, क्या आपको लगता है कि उनके लिए भी कैंपेन चलना चाहिए, जस्टिस फॉर हिंदू बॉयज जिन्होंने अकबरी बेगम को मारा? मेरे ख्याल से वो भी हत्यारे हैं और उमर खालिद भी हत्यारों का मुख्य साजिश करता है, एक्सेप्ट कर लीजिए इस बात को। नहीं देखिए, हमने ये बात शुरुआत में ही कही थी कि डॉक्टर कफील खान का केस हमारे सामने रेफरेंस पॉइंट है, लेकिन मैं ना ताहिर हुसैन के समर्थन में हूँ और ना ही जो खालिद और पता नहीं क्या क्या आप नाम ले रहे हैं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज ही एक बात का खुलासा हुआ, PFI जो आप कहते हैं कि एक ऐसा संगठन है जो दंगों को फंड करती है, 2014 के बाद से ही PFI को चंदा देने पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 2012 सरकार में रहते हैं PFI को इतनी छूट, 2012 में PFI और सरकार के साथ कोई गठबंधन है क्या? 2012 में उनको टैक्स एग्जेम्पशन मिला था जो अभी तक चल रहा है, कितना झूठ बोल लेते हैं आप। ठीक है, 6 साल मोदी जी की सरकार रही ना, तो मोदी 6 साल मोदी जी की सरकार रही, PFI पर इतना छूट क्यों दिया आपने इनकम टैक्स के लिए? ये सवाल तो सरकार से बनता है ना कि इन आतंकवादियों के साथ जो आप कह रहे हैं इनके साथ क्या गठबंधन है बीजेपी का? अभी तक दूसरा पॉइंट, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, RSS के किस स्वयंसेवक ने गुलाइल लगाई? नूपुर शर्मा जी जवाब दीजिए। ये यूपी पहुंच गए थे, आपने ध्यान दिया, ये उत्तर प्रदेश पहुंच गए थे दिल्ली के राइट से, इधर उधर घूमेंगे, जवाब नहीं देंगे। आप जवाब ले लीजिए, आप मुझे वक्त ही नहीं दे रहे हैं दीपक जी, आप मुझे वक्त ही नहीं दे रहे हैं, मेरा जवाब तो ले लीजिए। 2 मिनट से जलेबी घुमाए जा रहे हैं, आप कोई जवाब नहीं देने वाला, मेरा सुन लीजिए। सर आपसे पूछा अंगूर तो आप बात करते हो कद्दू की, मैं क्या करूं फिर, जवाब लूं आपको काटूं? नूपुर जी जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए ना इसका, PFI पे जो मैंने पूछा है। PFI का टैक्स एग्जेम्पशन कांग्रेस की सरकार ने दिया था, सवाल उनसे पूछिए। पिछले 6 साल के अंदर PFI के खिलाफ जितने भी दस्तावेज हैं ये सरकार पुरजोर मेहनत करके इकट्ठे कर रही है। 2014 से किसकी सरकार है? नहीं, 2014 से किसकी सरकार है? आपको 2014 में उस पर लगा देना चाहिए था बैन, लेकिन अहम मुद्दा ये है कि PFI को आप लगा दीजिए, क्यों आएगी? आप 6 सालों से क्या कर रहे थे? आप 6 सालों से आतंकवादियों के साथ गठबंधन कर रहे थे, 6 सालों से देशद्रोही ताकतों को छूट दे रहे थे, 6 सालों से PFI जैसे संस्था को आप टैक्स में छूट दे रहे थे, 6 साल में क्या कर रहे थे आप? दीपक जी एक सेकंड, आप जवाब दीजिए ना, 6 साल में क्या कर रहे थे आप? के साथ गठबंधन, अरे भाई उससे पहले तो 2 ही साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद तो यहाँ से 6 साल से बीजेपी की सरकार है, जवाब आपसे ज्यादा मांगा जाएगा। आपका वो जो JNU का फेल स्टूडेंट लीडर है, नूपुर जी, नूपुर जी आपको डिबेट, आपको जवाब नहीं देना है तो आप भाग रही हैं। मैं दे रही हूँ ना, आपने बोला मैंने बोला, दीपक जी बताइए PFI के साथ गठबंधन, अरे भाई आपसे जवाब नहीं बन रहा है, आप जवाब दीजिए ना, जवाब तो दिया, आप जवाब दीजिए ना, आप बताइए ना, आपने कही, आप बताइए ना, PFI पे क्यों नहीं टैक्स लग रहा, बताइए क्यों छूट दिया मोदी सरकार ने, क्यों छूट दिया पूछिए, क्यों छूट दिया आपने? यानी दिल्ली दंगों की साजिश आप रच रहे थे, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली दंगों की साजिश रच रही थी, पूरे किस्से में चाहे बुरहान वानी का हो चाहे अफजल गुरु,
दोगलापन है, क्या दोगलापन है ये? 2016 सुन क्यों नहीं रहे? एक्सपोज हो गए आप लोग, कितने झूठे हैं, एक्सपोज तो आप हो रहे हैं। आपने झूठ बोला कि बीजेपी पीएफआई के साथ गठबंधन करती है, इतना बड़ा किससे छुपेंगे बताइए? वो 514 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो किस संगठन से हैं? बीजेपी के प्रवक्ता होने के तहत 514 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो किस संगठन से हैं? आरएसएस से हैं, वीएचपी से हैं, बजरंग दल से हैं, किस से हैं बताइए? बता दीजिए, आप देखिए कैसे बात को मोड़ रहे हैं। आपने सुनी इनकी बात दीपक जी? मैंने जैसे ही कहा डेफिमेशन केस करूंगी कि पीएफआई ने बीजेपी के साथ कब गठबंधन किया। अब ये पहुंच गए कि भैया आरोप पत्र किस किस पे भैया लागू हुआ है? आपको पता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशनल एफिलिएशन का है? बिल्कुल कीजिए, आप जाओ ना, बिल्कुल कीजिए। मैं पूछ रहा हूं कि पीएफआई का बीजेपी के साथ क्या रिश्ता है? सेक्शन 3 सीआरपीसी, बिल्कुल जाइए आप, कोई रिश्ता नहीं है। पीएफआई का बीजेपी के साथ क्या रिश्ता है? 2014 के बाद से पीएफआई को टैक्स में छूट क्यों मिली है? ये बार बार पूछूंगा। डिफेमेशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाइए मेरे खिलाफ। अरे आप सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाइए। मैं पूछूंगा कि देश के आतंकवादियों से बीजेपी का क्या रिश्ता है? देवेंद्र सिंह से बीजेपी का क्या रिश्ता है? अफजल गुरु से बीजेपी का क्या रिश्ता है? पीएफआई को क्यों टैक्स में छूट दे रखी है? ये मैं पूछूंगा, बार बार पूछूंगा, क्योंकि देश की ताकतों को हराना है। भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को आतंकवादियों के साथ साझेदार कर रही है। पीएफआई ने पैसे कहां दिए? आतंकवादियों के साथ साझेदार करते हैं आप, आतंकवादियों के साथ बीजेपी के कश्मीर का लीडर जो है वो देवेंद्र सिंह के साथ रहता है और वो आतंकवादियों की मदद करता है। मैं तो शुरू से कह रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों की मदद करने वाली पार्टी है। पीएफआई से पैसा मिलता है, बेवकूफ बनाते हैं आप जनता। अरे कुदरती बिरयानी में पूछा गया कि पैसा लेते हैं आप शाहीन बाग से, सही बात है कि फरवरी में दंगे हुए थे लेकिन गिरफ्तारी उसकी जाकर हुई है सितंबर में, कई महीनों के बाद। तो क्या दिल्ली पुलिस इतने दिन हाथ पर हाथ धरे बैठी होगी ताकि एजेंडा चला सके? जस्टिस फॉर उमर खालिद, मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया गया, धर्म के आधार पर गिरफ्तारी हो रही है? हरगिज नहीं दीपक जी, 11 लाख पन्ने बराबर होते हैं 25 पीएचडी के, और इसको करने में समय लगता है। अकाट साक्ष्य प्रस्तुत करना है, और अगर अकाट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेंगे तो जैसे विद्वान पैलेस यहां बैठ करके रस्सी का सांप बना रहे हैं और सांप का ये अजगर बना देंगे और अजगर का ये डायनासोर बना देंगे। इसलिए दिल्ली पुलिस अपनी हिफाजत के लिए और कोर्ट के सामने शर्मिंदा होना पड़े, इसलिए अकाट साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं और उसमें समय लगता है, क्योंकि अगर जरा से भी चूक होती तो दिल्ली पुलिस को तार तार करने में आपके विद्वान पैनलिस्ट और इनके पीछे जो प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है ये बख्शने वालों में से नहीं थे। लेकिन पुलिस वाले भी कोई बताशा नहीं घोल के कोई पी जाएगा, ये भी बता दूं, ये खुशकिस्मत थे कि टुकड़े टुकड़े होंगे ये वहां किया जहां पे इनकी चल गई कागज की नाव और कटी पतंग। कहीं मौका होता तो किसके टुकड़े होते दीपक जी? होशियार को इशारा काफी है, मैं बता दूं बड़े खुशकिस्मत थे कि बच के निकल गए, वरना क्या इनकी धुली नहीं होती है, भूल जाते राजनीति के सर्टिफिकेट से। बता दूं आप, दिल्ली पुलिस दूध की धुली नहीं होती है। और संजीव रागी जी के पास जाओ, उससे पहले जेएनयू के नारे फिर दिखा दीजिए, जेएनयू के नारे फिर दिखा दीजिए। विवेक श्रीवास्तव बोलेंगे कि बिल्कुल सही, भारत के टुकड़े टुकड़े होना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव इसी विचारधारा के, जेएनयू के नारे एक बार फिर से दिखा दीजिए। उमर खालिद बीच में खड़ा है, होम मिनिस्टर के सीधे विवेक श्रीवास्तव जी आप भी बोल दीजिए ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये आपके ही भाई हैं, चचेरे ममेरे उमर खालिद, आप ही की सोच से आते हैं, लेफ्ट की विचारधारा से। आपके गढ़ में नारे लग रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, विवेक श्रीवास्तव जी बोल दीजिए, नारा दोहरा दीजिए। आप जब कुरान की बुराई चल रही थी तब तो दीपक चौरसिया चुप थे, और अब जब मैं बोल रहा हूं तो दीपक चौरसिया बहुत चहक रहे हैं। तो सुनिए जरा, कन्हैया कुमार ने कभी भी इन नारों सर, मैं उमर खालिद का नाम ले रहा हूँ, और उमर खालिद ने इन लोगों को बुलाया था, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लगाए थे लेफ्ट को बुरा नाम देने के लिए कन्हैया कुमार ने। उसके बाद बीसीओ कॉन्क्लेव करे हैं मीडिया के साथ, जिसमें कश्मीर को भारत का अंग बनाया है।
तो आप लेफ्ट को बदनाम करने के लिए ये एबीवीपी के छात्रों द्वारा रची हुई साजिश को लेफ्ट का ना बनाएं। दिल्ली अच्छा। पुलिस होम मिनिस्टर के कहने पे लेफ्ट के स्टूडेंट के लड़कों को विक्टिमाइज करती आई है। बदमाशों को आप अपनी कहानी बंद रखिए। आप दलितों और मुसलमानों से नफरत करिए जरा बैठ के। नूपुर आप जरा एंटी दलित और एंटी मुस्लिम बन के रहिए। मुझे बोलने दीजिए। दिल्ली पुलिस एक्ट्स एट द बेहेस्ट ऑफ द होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर के कहने पर लेफ्ट की पार्टियों के स्टूडेंट यूनियन के लीडरों को बराबर आज भी जेएनयू में तंग किया जाता है। जब चार्जशीट हुई तो लेफ्ट के बच्चों के खिलाफ हुई। जब ये जामिया में गए जबरदस्त लाठीचार्ज किया जिसकी जरूरत नहीं थी। फीमेल स्टूडेंट्स के ऊपर बिना महिला पुलिसकर्मी के लाठीचार्ज हुआ। ये दिल्ली पुलिस की सच्चाइयां हैं। विक्रम सिंह जी को ये नहीं दिखेगा। विक्रम सिंह जी बीजेपी की चाटुकारिता में डूब चुके हैं। विक्रम सिंह जी आपकी विचारधारा किसी राजनीतिक दल से जुड़ी है? आपको नफा नुकसान देखता हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं देश में जो नफा नुकसान नहीं देखते हैं, केवल देश प्रेम की बात करते हैं। और ये दीजिए बम्बर गुटकी कहीं और दीजिएगा श्रीमान जी। अरे भाई दिल्ली पुलिस ने कब से नफा नुकसान देख लिया? या आपकी यूपी पुलिस ने कौन सा नफा नुकसान बड़ा देखा? यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस को जरा कभी ज्वाइन करके देखते तो मालूम पड़ता। लखनऊ में पुलिस वाला एनकाउंटर कर देता है मल्टीनेशनल के एग्जीक्यूटिव को। मैं एक कमेंट के लिए संजीत राय जी के पास जाऊंगा। एक चौधरी हो गया संजीत राय जी, 30 सेकंड आपके पास है। यूपी पुलिस अपनी नेतागिरी पढ़वा के चाहिए। दीपक जी रुको जी एक मिनट में आइए। दीपक जी वो वहां करिए। दीपक जी जेएनयू जैसी घटनाओं से मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू में भी काम करता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी काम करता है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी काम करता है, जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी काम करता है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी काम करता है। इसमें भी सिंधु को खतरा हो गया होगा। जो मैंने कुरान पर बातें कही है और इस्लाम पर बातें कही है वो वही कही है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है और विवेकानंद जी ने कहा है। तीसरी बात, इस देश के विभाजन के बाद लगा था कि धार्मिक दंगे इस देश में नहीं होंगे। ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कहां से मानसिकता पैदा हो रही है? इसलिए मैं कहता हूं विवेक जी प्लीज सबके बीच में बोलते हैं आप। तुम मुसलमानों के खिलाफ हो। संगीत जी प्लीज खत्म करिए, 30 सेकंड है आपके पास। विवेक जी मैं आपके ऑडियो को डाउन कर दूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता ये करना। मेरा मेरा एक ही कहना है दीपक जी, तो इनका ऑडियो भी डाउन करो ना। हम सब सिम्टम्स पर बात कर रहे हैं, ऑडियो नहीं डाउन किया जाता। हम सब सिम्टम्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं तब ऑडियो नहीं डाउन होता। मानसिकता अभी भी नहीं डाउन है और आयतों को गालियां देते हैं। उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उनके धर्म पे उंगली उठाते हैं तब ऑडियो नहीं डाउन होता है। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम को मैं बदनाम कर रहा हूं, उनसे मेरी एक ही सलाह है, वो ये कहें कि जो मुहम्मद जी के नाम पर जैसे मुहम्मद चला करके तालिबान चला करके और चारों ओर दुनिया में विध्वंस पैदा करते हैं उनके खिलाफ बोले। ठीक है, मैं सीधे नूपुर के पास जाऊंगा। नूपुर मैं आपको पोल के रिजल्ट बता दूं, विवेक जी आपको भी बता दूं कि देश की बहस में 85% लोग मानते हैं कि जांच निष्पक्ष हो रही है। नूपुर जी देखिए जहां पे वामपंथ पूरी दुनिया के अंदर सबसे मैक्सिमम ह्यूमन ट्रेजेडीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे को एंटी मुस्लिम बोलने वाले विवेक जी तो मानवता के खिलाफ ही है। तो कृपया करके दूसरों के ऊपर जब एक उंगली उठा रहे हैं चार आप पे उंगली लगाइए। देखिए लेकिन यहाँ पे अहम सवाल ये है कि विवेक आपके आरएसएस के प्रवक्ता संगीत रागी जी ने बोला है। मैंने तो कहा ही नहीं कुछ। न्यायपालिका नुक्कड़ पे नहीं चल रही। नहीं नहीं आप भी बहुत आनंद से सुन रही थी जब कुरान और इस्लाम के खिलाफ बोला जा रहा था। आपको भी बहुत आनंद आ रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा। आरएसएस के प्रवक्ता ने कुरान के खिलाफ बोला है, आरएसएस के प्रवक्ता ने मुसलमानों के खिलाफ बोला है, आरएसएस के प्रवक्ता ने दलितों के खिलाफ बोला है। मैंने कुछ नहीं कहा। आई हैव नॉट सेड एनीथिंग। अरे हम कहां से हो गए? मेरे पास वक्त कितना है? विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव जी को दिखाइए। विवेक श्रीवास्तव जी एक फूड फॉर थॉट देके जा रहा हूँ। रात में सोए तो इस बार जरूर सोचेगा कि चाइना जो आपकी विचारधारा पे चलता है वो उइगर मुसलमानों को मार मार के क्यों फेंक रहा है, जरा इसका भी विचार कर लीजिएगा। जब आप सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म चिल्लाते हैं ना, रात में सोचिएगा कि चाइना उइगर मुसलमानों को निर्ममता से क्यों मार देता है और सुबह जवाब दीजिएगा। फिलहाल एक ब्रेक।